कौनसी भी सोमवार दिन शिवलिंगर चढ़ा जाउथिबा जळरे मिसेई दियंतु एही गुप्त जिनिस आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर होइजिबो। भगवान भोलानाथंकर आशीर्वादरु आपणकर जीवनरे धनर वर्षा हेबो। हिंदू धर्मरे सोमवार दिन को भगवान शिवंकु समर्पित होइथाय। भोला शंकरंकु सबु देवतामानक मध्यरे सबुठु उच्च स्थान प्राप्त होइछि। एथिपाई देवंक देव यांकु महादेव कहा जाय थाय। कहा जाय थाय कि भगवान शंकर कालर भी काल महाकाल अटंती। जेउ लोकंक उपरे शिवंकर कृपा रही थाय तांकर बड़ बड़ संकट टळी जाय थाय। भगवान शिवंकु केवल मनुष्य नुहंती बरम देवी देवता असुर समस्त पूजा करिथांती। भगवान शिवंक विषय रे गोटिए कथा कहा जाय छि कि कौनसी भी व्यक्ति जदि भगवान भोलानाथंकर अल्प भी पूजा कर दे थाए भगवान भोलानाथ से ही व्यक्तिर अल्प पूजा द्वारा भी प्रसन्न हो जाती। जदि किए श्रद्धापूर्वक तांकु एक लोटा जल अर्पण कर दिए तो भगवान भोलानाथ से ही व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद एवं वरदान दे थांती। शिवंकर आशीर्वाद पाइबापाई केते लोक सोमवार व्रत भी रखि थांती। मान्यता अनुसार सोमवार को व्रत रखा द्वारा मन चाहूबा जीवनसाथी मिलिथाय। धर्मशास्त्र रे नाही बरम केते पुराण रे भी एही कथा कहा जाय छे कि भगवान शिवंकर विशेष कृपा जेउ व्यक्ति उपरे रही थाए सही व्यक्तिर समस्त कष्ट तुरंत दूर हो जाय थाए। मानि नियंतु कौनसी व्यक्ति कराचर मायाजाल रे फसी जाय छे आर्थिक कष्ट पाई चिंतित अछंती एवं भगवान भोलानाथंक शिवलिंग रे जल चढ़ाइबा पूर्वरु सही गुप्त जिनस को पकई दे थाए। जो जिनस विषय साक्षात शिवपुराण से लिखा होई तो मानिक चलतु करजर मायाजाल मुक्ति मिली थाए। जदि कौन व्यक्ति सर्वदा बीमारी रहुअ बहुत चिकित्सा कलापर भी बीमारी भल होना से ही व्यक्ति जदि भगवान भोलानाथ को नियमित रूप से जल चढ़ाइबा आरंभ करदे तो भगवान भोलानाथंकर से ही आशीर्वाद मिली थाए जहाँपर तांकर बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाय थाए। जदि आपण शिव पुराण अनुसार भगवान भोलानाथ को जल चढ़ाइबा समय रे किसी उपाय कर दिंती किसी गुप्त जिनस अच्छी जहाँ जदि आपण जल लोटारे पकई भगवान भोलानाथ को अर्पण करेंगे तो मानिक चलतु आपणकर जहाँ भी मनोकामना थाउ ताहा अवश्य पूरण हो। मानि नियंतु आपण चाकरी चेष्टा करुछंती किंतु चाकरी मिलू नथिला। जदि आपण नियमित रूप से भगवान भोलानाथ को गुप्त जिनस जलर पकई चढ़ेबे तो आपण को अवश्य चाकरी प्राप्त हेबो। एही प्रकार रे आपणकर बंद पड़ता व्यापार चलने को लगे। जदि आपण एही उपाय को सोमवार दिन दुई मिनिट बाहर करी दियंती जहाँ बहुत सरल अटे एवं चमत्कारी उपाय अटे तो आपणकर जीवन रु समस्त कष्ट समस्या दूर हो आपणकर जहाँ भी मनोकामना थी ताहा अवश्य ही पूरण होतीपीड को थरे मात्र शेष जाए निहाती देखु कहीं उपाय को आपण सोमवार दिन दुई मिनिट बाहर करदे तो आपण निजे देखिए कि भगवान भोलानाथ आशीर्वाद रु आपणकर जीवन में आपण को एक चमत्कारी परिवर्तन देखा मिल। जदि आपण भी चाहते कि भगवान भोलानाथ कृपा आपणकर उपरे आपणकर परिवार उपरे सर्वदा बनी रहु। भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद रु आपण आपणकर जीवन में बहुत उन्नति करंतु बहुत आग को जातु आपण को केबे भी कष्ट समस्यार सामना करने को न पड़ु तो पूरा सच्चा हृदय वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखि दिंतु। भगवान भोलानाथंकर विषय कहा जाए कौनसी भी व्यक्तिर अल्प पूजापाठ द्वारा भोलानाथ तुरंत प्रसन्न हो जाती। कि भगवान भोलानाथ जदि कहार अल्प पूजापाठ से प्रसन्न होकरी कौनसी भी व्यक्ति को तुरंत वरदान दे था तो जदि आपण भगवान भोलानाथंकर पूजा रे सामान्य भूल कर दे तो भगवान भोलानाथ बहुत शीघ्र आपणकर उपरे रुष्ट हो जाती। आपण को यही कथा कहीं भी कहे ना जहाँ आज आम आपण को कहबु। भगवान भोलानाथ को जल चढ़ेबा समय किसी नियमर आपण को पालन करवा उचित। जदि आपण एक नियमर पालन करुछंती तो मानिक चलतु भगवान भोलानाथंकर असीम कृपा आपण को प्राप्ति होइथाय। सबुठ प्रथम नियम यह अटे कि भगवान भोलानाथ को जल अर्पण करने समय
बहुत लोक यह भूल करिथांती कि लोक माने छिड़ा हुई कि जल चढ़ई थांती केबे भी भगवान भोलानाथ को छिड़ा हुई जल चढ़ात ना जदि आपण भगवान भोलानाथ को तंबार लोटारे जल अर्पण करिथांती बहुत बेस शुभ माना जाए किंतु केबे भी लुहार लोटारे किंवा प्लास्टिक लोटारे भगवान भोलानाथ को जल अर्पण करंतु नाही कहुई थाए यहाद्वारा आपणकर जीवन रे आपण को केते प्रकार दोषर सामना करने को पड़ी थाए। तृतीय रे ध्यान देवे कि जब भी आपण भगवान भोलानाथ को क्षीर चढ़ाऊ जल अर्पण करपणकर मुह उत्तर दिग आड़क उचित कहीं भगवान भोलानाथ जो वाम अंग होताए ता उत्तर पटे होताए एवं उत्तर दिगरे माता पार्वती वास करी एवं जदि आपण एमती करेंगे तो भगवान भोलानाथ एवं माता पार्वती असीम कृपा आपण को प्राप्ति होताए एवं आपण जीवन में बहुत उन्नति करी। चलते एवं आम आपण को सही गुप्त जिनस विषय कहबू जहाँ जदि आपण जलपात्र मिसई भगवान भोलानाथ को अर्पण करेंगे तो आपण जीवन में आपण को सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्यर प्राप्ति हेब आपण को आपण जीवन में समस्त कष्ट मुक्ति मिलजिव। सबुठ प्रथम उपाय यह अटे कि जदि आपण को शनि दोष लगे अच्छे शनि साढ़े सात चलुअ शनि अढ़ई चलुअ तो आपण यह उपाय को केवल पांचटी सोमवार कर दिंतु मानिक चलतु भगवान भोलानाथ आशीर्वाद आपण को साढ़े सात शनिदोष मंगल दोष कौन सी दोष था आपणकर कुंडली दूर हो लगातार पांचटी सोमवार भगवान भोलानाथ को जो जल अर्पण करुछंती दुई चारि बुंदा गंगा जल मिसई दिंतु एवं गणिकी एकोइष्टी राशि पकई दिंतु एवं यहाँ भगवान भोलानाथ को जल अर्पण करंतु। पांचटी सोमवार जदि आपण यह उपाय करदे तो मानिक चलतु जो भी प्रकार दोष आपण चिंतार थिले सही दोषरु आपण को मुक्ति मिलजिव। द्वितीय उपाय यह अटे कि जहाँ जदि आपण करेंगे तो आपणकर राहुकेतु दिशा बिलकुल ठीक हो गोटे कथार ध्यान देवे जेब पर्यंत आपणकर राहुकेतु आपणकर ग्रह नक्षत्र आपणकर साथ देवे ना सेब जाए आपण आपणकर जीवन में उन्नति करें ना आपण भगवान भोलानाथ को जल चढ़ावा पूर्व से गणिकी शहे आठटी चाउल दाना रखु जहाँ भांगि नहे आठटी चाउल मिसाई ओम नम शिवाय जप कर जल अर्पण कर दिंतु। यह उपाय को जदि आपण लगातार सतटी सोमवार जाए कर दिंती तो मानिक चलतु भगवान भोलानाथ आशीर्वाद आपणकर राहुकेतु ग्रह नक्षत्र ठीक स्थित को आसीजे एवं आपण आपणकर जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। जदि आपण बहुत बीमारी रोचार बीमारी आपणकर पिछा छाड़ूना चिकित्सा करी थकीगले किंतु किसी भी लाभ आपण को मिलूना तो आपण यह उपाय को कर दिंतु केवल एगारटी सोमवार जाए यह उपाय को करेंगे। एगारटी सोमवार मान एगारटी सप्ताह एगारटी सप्ताह आपण तामसिक भोजन करें ना कंचा क्षीर में महु मिसाई लगातार एगारटी सोमवार क्षीर में महु मिसाई भगवान शिवंकर अभिषेक करंतु। जदि आपण लगातार एगारटी सोमवार यह उपाय करदे तो भगवान भोलानाथ आशीर्वाद आपण बिलकुल ठीक हो बिल्कुल सुस्थ हो बीमारी आपणकर पिछा छाड़देव। जदि शत्रु आपणकर पछरे पड़ती आपणकर क्षति करने को चाहते तेबे आपण भगवान भोलानाथ शरण को जातु कंचा क्षीर में पेशा होता मरीच गुंड मिसई भगवान भोलानाथ अभिषेक करंतु। एतिक जदि आपण करदे लगातार तीनो सोमवार तो आपणकर जिते भी शत्रु था विनाश हो से आपणकर किसी भी क्षति करें ना शेष उपाय जहाँ आपण को कहवाक जाऊ ताटे धन प्राप्तिर महा उपाय यह उपाय जदि आपण करदे तो आपणकर जीवन में धन सम्बन्धित समस्त समस्या दूर होजर मायाजालू मुक्ति मिलजिव एवं चारिड़ धन आसव। सबुठ प्रथमे कौन सी शिवालय को जातु सेठार सबुठ प्रथमे भगवान भोलानाथ को गंगाचल अभिषेक करातु यापर आपण आखुरस अर्पण करंतु तापर आपण पुणी शिवलिंग को गंगाचल धोई दिंतु। यह क्रिया आपण को लगातार पांचटी सोमवार करने को हेब यह उपाय जदि आपण करदे तो भगवान भोलानाथ आशीर्वाद आपणकर जीवन आर्थिक कष्ट दूरे जीव।
धन जनित समस्या देखा देवानी एवं चारिआड़ धन आसवा आरंभ हो तेब आपण को जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहले तले थिबा आम कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।